नमस्कार, स्वागत है आपका एनआरपी एंटरटेनमेंट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। चुनावी रणनीति और कांग्रेस नेता सुनील कानू गोलू मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं। हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने कांग्रेस नेता सुनील कानू गोलू को नोटिस जारी किया है और पेश होने को कहा है। सुनील कानू गोलू को जनप्रतिनिधियों और राजनेताओं की छेड़छाड़ की गई तस्वीरों के साथ वीडियो बनाने के लिए नोटिस दिया है। अंग्रेजी वेबसाइट डीकेन क्रॉनिकल की खबर के मुताबिक पुलिस ने कहा है कि सुनील कानू गोलू के फरार होने के बाद गाची मुबोली में सुनील कानू गोलू माइंड शेयर यूनाइटेड फाउंडेशन कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लू रवि को नोटिस सौंपा गया है। नोटिस में कानू गोलू को व्यक्तिगत रूप से पेश होने और 30 दिसंबर तक साइबर क्राइम सेल को सफाई देने का निर्देश दिया गया है। पुलिस ने सुनील को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और सत्तारूढ़ भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस के खिलाफ कथित अपमानजनक पोस्टर को लेकर दर्ज मामलों में मुख्य आरोपी के रूप में नामजद किया है। दरअसल 13 दिसंबर को पुलिस ने गाची बुबोली कार्यालय पर छापा मारा था और इस दौरान लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए थे। इतना ही नहीं, 3 कर्मचारी श्री प्रताप मंडा, ईशान शर्मा और शशांक ताती यानी को भी नोटिस जारी किया था। आरोप है कि इन्होंने कथित तौर पर और तेलंगाना गैलम के हैंडल के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो पोस्ट किए थे। फेक वीडियो शेयर करने के संबंध में मार्केट, रामगोपाल पेट, चंद्रयान गुट्टा और अंबर पेट पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज किए गए थे। सुनील कानू गोलू कांग्रेस नेता के साथ साथ चुनावी रणनीतिकार भी हैं। वो प्रशांत किशोर के पूर्व सहयोगी रह चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुनील अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और गुजराती समेत कुल 6 भाषा बोलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस के मिशन 2024 के लिए रणनीति बनाने वालों में सुनील कानू गोलू भी शामिल है। कहा जाता है कि दक्षिण भारत में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में 39 वर्षीय सुनील का भी हाथ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।